कहाँ रहती हो तुम? हॉस्टल में। कितनी लड़कियां हैं ये हॉस्टल की? पांच छह लड़कियां, चार पांच लड़कियां हैं बस। बाकी की सो रही हैं? यस। चले जाऊंगा? यस। हैं पक्का? यस सर। तो ये आते क्यों नहीं ये तो बताओ। नहीं पता सर, बोलते हैं तो बोलते हैं कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, आज थकान ज्यादा है, मतलब कुछ ना कुछ। और जो लास्ट वाला वीडियो लगाया था उससे घर वालों के फोन आए नहीं आए तुम्हारे पास? आए थे सर। हैं पक्का? यस सर। मतलब कि एक आध वीडियो और लगाना पड़ेगा इनको सोते हुए। चलो ठीक है, जा रहा हूँ मैं। चलो भैया। आंटी जी क्या बोले? आलू के पराठे नाश्ते में जी। लो लड़कियों को उठाओ जाके। थोड़ा जल्दी जाओ। चलो जल्दी आ जाओ। बेटा आज तो फोन लगाऊंगा घर वालों को। फीवर है? घर वालों को बता दिया? पक्का? घर पे बात करूं? जाओ लाओ फोन। घर वालों को बता दिया? पक्का? तो क्या तबीयत मेरे को दिख नहीं रही? अच्छा दोनों को एक साथ होगा? फिर तेरे को क्या होगा? फीवर आ रहा? पक्का घर पहुंचा दे? हाँ क्यों बेटा, जाओ दूसरे को बुलाओ, बुलाओ और को। बहुत सारी लड़कियां सो रही है वहां पर, छह सात ही है बस। इस रूम में देखो काय का नीचे आ, नीचे नीचे आ, नीचे आ जल्दी आ नीचे। घर वालों ने मना कर दिया? घर वालों ने हमसे तो पूछा ही नहीं कि मत जाओ। बेटा यही तो दिक्कत होती है बीच में यही तो गेप चलता है ना, इससे दिक्कत आती है। अरे मैं क्या पूछूं मम्मी से, क्यों कितनी बच्चियां सो रही हैं? हाँ तो उसमें सो रहे हैं ना, इसलिए खुलने का। जाओ वो अभी वाले रूम को उठाओ। वो तो क्या बता भैया, ये पर आलू के पराठे बन रहे हैं इनके लिए नाश्ते में, है ना आंटी जी? मैं ये बोल रहा हूँ, अभी आ दिया आपको आवाज? बच्ची को फीवर है बता दिया था आपको उसने? हाँ कम से कम पता, आपको बताओ तो ज्यादा अच्छा है। ठीक ठीक बता के रहता था पेरेंट्स को। बेटा अभी मत जा, मम्मी बोली है सर। पर मम्मी तो हमसे पूछती रहती है।
अच्छा एमपी पुलिस का फॉर्म कितने दिन डाल रखा इसमें से? तो पढ़ रही थी पाटीदार अभी? हाँ अभी बेटा क्यों देख, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम ग्राउंड आओ सही, तुमने एमपी पुलिस का फॉर्म डाला है तो कम से कम सुबह सुबह से उठ के तो पढ़ो, सुबह से पढ़ा हुआ रात को 12 बजे तक मत पढ़ा करो, कोई नहीं बोल रहा तुमसे, लेकिन सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ो। मैं टेस्ट लूंगा, इस बार टेस्ट लूंगा, लास्ट बार तो मैंने सिर्फ जिसने आंसर दे दिया था उसको बताया था, जोया अभी दिल्ली से इतनी दूर से आया फिर भी नहीं आ रहे ग्राउंड, मम्मी को बताऊंगा मैं। हाँ आंटी जी इनके सबके घर पे फोन लगा दो आप, है ना, फोन लगा के बात कर लो, और वही करो जो आलू के पराठे उन्हें ही दो जो ग्राउंड गए। एक तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है कि बार बार आप लोगों को परेशान करें हम, या तो परेशानी हो रही है तो भर जाओ बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ तुम्हारे सबके पेरेंट्स का फोन आया है सर, बहुत अच्छा किया आपने वो जो वीडियो बनाकर डाला है, इनको डर तो है कम से कम। मैं नहीं जा रही थी पहले, मम्मी को पता चला, पापा को भी सब कर नहीं आई भी थी, देखिए सर इतने बहाने 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 नहीं होना, सफलता पाने के लिए ना एक्सक्यूज होते हैं ना बहाने होते हैं, कुछ नहीं होता है, सफल इंसान कुछ भी नहीं करता है ना, 24 घंटे तुम्हारे पास, सही तरीके से यूज तो करो उसे, यूटिलाइज सही करो, है ना। और फेलियर ये बोलता रहता है मेरे को ये काम है मेरे को ये काम है, अरे पढ़ने और ढूंढने का दोनों काम करोगे तब जाके सिलेक्शन होगा, एमपी पुलिस में रनिंग मांगेंगे आर्मी में भी रनिंग मांगेंगे। चलो ठीक है आज शाम को आके टाइमिंग देना सब 800 मीटर की, जो पास हो जाएगी ठीक है हम उसको हम 2 दिन का एक्स्ट्रा आराम देंगे, ठीक है घर वालों से बात करके आज टाइमिंग देके जाना। फिर क्या बात होगी, टाइमिंग देके जाएगी आज, है ना बेटा, टाइमिंग देके जाओगे। हाँ आर्मी हेयर कट न, चलो जय हिंद, पेरेंट्स करते रहे, ये जो जो लड़कियां हैं हॉस्टल में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको फोन पे बात करते रहे। जय हिंद।